बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सुपर एलिवेशन स्लोप्स कैलकुलेशन। तो इसके जो सुपर एलिवेशन के जो स्लोप्स होंगी उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि स्टार्ट स्टेशन है, उसके बाद उस जगह की हमारे पास स्लोप है, एंड स्टेशन है, सुपर एलिवेशन इधर हमारे पास एंड हो रही है, उसका स्टेशन है और उसकी स्लोप है। उसकी मदद से हम ये -2.5 से लेकर -6 या 6% तक हम अपनी स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम अपना स्टेशन दे दें, कोई भी हम स्टेशन देते हैं 100, तो ये हमारे पास इधर इसकी स्लोप आ जाए, इसकी इन स्लोप्स के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसका तरीकाकार जानना होगा। तो वो तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। इधर इसकी कैलकुलेशन एक्स वाई जेड ये कॉलम बनाए हुए मैंने, इसके ऊपर आप इसको कैसे करेंगे। तो इधर से मैं इसको ख़त्म करता हूँ सारे को, ताकि आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ सके पूरे पोर्शन की। तो ये आप ये देख रहे हैं कि इधर से ये मैंने सारे पोर्शन इसके इधर से ख़त्म कर दिए हैं। इसको मैं आपको बताऊँगा कि सिंपल तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी बता चुका हूँ, मेरे चैनल्स के अंदर इसकी वीडियोज़ मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रहा है 0.0 वाली आरडी के ऊपर और आपके पास क्रॉस स्लोप है -2.5% की या 2% की, जो भी आपकी स्टार्ट स्लोप है, जिधर से आपकी टेम्बर एंड होएगी और सुपर एलिवेशन स्टार्ट होएगा, उधर से वो वाली आरडी आपने इधर पहले लिखनी है। उसके बाद एंड सुपर एलिवेशन, एंड सुपर एलिवेशन होएगा जो आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जाता है। सपोज मैं कहता हूँ मेरा 500 मीटर के ऊपर जा रहा है, तो वो आरडी मैंने इधर लिख देनी है, स्टार्ट आरडी और एंड आरडी। उसके बाद स्टार्ट सुपर एलिवेशन और इधर सुपर एलिवेशन मेरे पास आ रहा है 6% का, तो ये मैंने इधर लिख देना है। ये आपने जस्ट इसके अंदर इसी तरीके से डेटा इनपुट कर देना जोन से भी स्टेशन आपके पास आ रहा है। इधर आपके पास 1000 वाली आरडी आ रही है, इसी तरह एंड आरडी आपके पास 1500 वाली जा रही है, और इधर आपके पास इसी तरीके से स्लोप -2% और इधर आपके पास स्लोप 4% या जितनी परसेंट भी है वो आपने इधर जस्ट इधर इस तरीके से इधर लिख देना। मैं जैसे -2.5 के ऊपर करूँगा और इधर आपके पास मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 6% की है। तो इधर से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आरडी के ऊपर यह स्टार्ट आरडी है मेरे पास 1000 वाली, मुझे 1100 वाली आरडी के ऊपर इधर सुपर एलिवेशन की स्लोप चाहिए, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने इधर तीन कैलकुलेशन हम बनाएंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन होंगी। नंबर वन एक्स कैलकुलेशन, ये आपने इधर से इक्वल टू करना है, ब्रैकेट आपने लगानी है, स्टेशन टू माइनस स्टेशन वन कर देना है, एंड स्टेशन और स्टार्ट स्टेशन, और इधर से आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये हमारे पास टोटल सुपर एलिवेशन का जो लेंथ होएगी उसकी वो इधर कैलकुलेट आ जाएगी आरडीज के साथ। इसी तरीके से वाई कॉलम के ऊपर आपने इधर से इसी तरीके से ये स्टार्ट सुपर एलिवेशन और मैक्स सुपर एलिवेशन को आपने इधर कैलकुलेट कर लेना है। तो आपने इधर वाई वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है, इज इक्वल टू करना है, इसी तरीके से ब्रैकेट लगानी है और सिक्स माइनस आपने इधर से माइनस का साइन लगा के आपने स्टार्ट जो आपके पास कैम्बर की जो स्लोप जा रही होगी वो आपने इधर से करके इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये आपके पास इधर टोटल इसकी स्लोप आ जाएगी, ये 0 से लेके 6% से लेके -2.5% तक। 6 हमारे पास है और -2.5% हम जा रहे हैं, टोटल 8.5% स्लोप आ जाएगी। डिस्टेंस है हमारे पास 1+0.0 से लेके 1+500 तक। तो अभी आपने Z वाले कॉलम के ऊपर आपने इसकी पर मीटर स्लोप निकाल लेनी है, इज इक्वल टू करना है 8.5 / आपने जैसे डिस्टेंस का देना है। सिंपल सा ये तीनों, ये आपके पास ये तीनों कैलकुलेशन आ जाएंगी एक्स वाई और जेड की। ये तीनों कैलकुलेशन आपने इसी तरीके से कर लेनी है। जेड कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, हमारे पास जो टोटल स्लोप आई थी y/x आपने कर देना है, तो ये हमारे पास पर मीटर इसकी स्लोप आ जाएगी। ऊपर अभी हमने इस आर डी के ऊपर इसके स्लोप्स के हिसाब से, तो आपने इधर नीचे आना है, इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने इधर से इस स्लोप को सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारे पास स्टार्ट सुपर एलिवेशन की स्लोप जा रही होगी उधर से आप उसको प्लस का निशान लगाना है और साथ डबल ब्रैकेट लगानी है। डबल ब्रैकेट लगाने के बाद आपने रिक्वायर्ड स्टेशन जो हमारे पास है जिसके ऊपर आपको सुपर एलिवेशन की स्लोप चाहिए वो स्टेशन आपने सेलेक्ट करना है, माइनस करके स्टार्ट जो आपके पास स्टेशन जा रहा होगा उसको आपने इधर सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, उधर से आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो Z की वैल्यू थी इसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद आपने जैसे इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। आपने स्टार्ट M6 हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टार्ट सुपर एलिवेशन स्लोप है, प्लस डबल ब्रैकेट लगानी है, आपने रिक्वायर्ड स्टेशन माइनस आपने स्टार्ट जो हमारे पास स्टेशन जा रहा था वो मल्टीप्लाइड बाई आपने पर मीटर स्लोप जो आ रही थी, इधर से आपने इसकी ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। ये देखेंगे हमारे पास ये स्लोप आ गई है 0.8, ये परसेंट के अंदर होगी। अभी आप इधर से जो से भी आर डी आप इधर चेंज करते हैं 1150, आप देखेंगे इधर 0.50 की स्लोप आ जाएगी हमारे पास। इधर 1+200 वाली आर डी है तो 0.90 की आ जाएगी, 1+300 वाली आर डी है तो 2.6, 350
3.45 की आ जाएगी, वन प्लस 400 के ऊपर 4.3, और इसी तरीके से 1450 के ऊपर 5.15% की स्लोप आ जाएगी। जो प्लस के अंदर होएगा वो प्लस की होएगी और जो माइनस के अंदर होएगा वो माइनस के अंदर। इसी तरह एंड स्टेशन के ऊपर आप जब जाएंगे तो हमारे पास इधर 6% की स्लोप आ जाएगी। तो 2.5% से लेकर 6% तक अभी आप जो भी इधर आरडी देंगे, ये स्टार्ट आरडी हमारे पास 100 है, तो इधर हमारे पास 2.50 आ जाएगी। 1050 वाली आरडी के ऊपर 1.65, और इसी तरह 1+100 के ऊपर हमारे पास 0.8 की स्लोप आ जाएगी। इधर इसी तरीके से आप जो भी स्लोप इधर आप चेंज करेंगे, अगर आपके पास इधर 6% है और इधर आपके पास माइनस 2.5% है, तो ये इधर से जस्ट कैलकुलेशन आपकी सेम टू सेम यही रहेगी। आपने इधर से आप ये देखते हैं कि इधर मैं 1+00 देता हूँ तो ये मेरे पास 600 आ जाएगी। 10.50 5.15 अभी ये हमारे पास इधर प्लस के अंदर आ रही है। इसी तरीके से 1+100 1+200 1+300 1+400 और इसी तरीके से 1+500। तो ये आप ये देख रहे हैं कि सारी स्लोप्स हमारी, जो भी आप इधर से स्लोप चेंज करेंगे नीचे आपकी स्लोप्स आती जाएगी। आप इसको नोट करके अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी स्लोप्स आप इधर देंगे उसके हिसाब से ये आपकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इसकी स्लोप की होती जाएगी। आप इसको नोट करके और अपना काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के अंदर आपने जो भी सुपर एलिवेशन सिंपल मेथड के जरिए कैलकुलेट करनी है, बहुत ही आसान है। इसके जरिए मैंने आपको बताया, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे चैनल्स के अंदर आपको सुपर एलिवेशन की मैनुअल और एक्सेल के अंदर कंप्लीट कैलकुलेशन के प्रोग्राम भी बन जाएंगे। उनकी एक्सेल के अंदर जो शीट्स हैं वो भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं और सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियो को आपने दोस्तों यारों को इनवाइट ज़रूर करना है उसके ऊपर। और ये शीट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, उधर से आप डाउनलोड करके इस मेथड को समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।